मेरा नाम विजय सिंह है और मेरी बच्ची है ये, इसको 26 दिसंबर को गोली लगी थी और हम नयति हॉस्पिटल लेके आए। और मैं हॉस्पिटल के बारे में तो यही कहूँगा कि ये यहाँ पे जो है भगवान ने जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि दी है यहाँ जो है मथुरा में। और ये डॉक्टर हमारे और नर्स से लेकर सभी ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत बड़ी उपलब्धि है मथुरा में नयति जैसे हॉस्पिटल को। और डॉक्टर नर्स यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है इन लोगों का। और बस मेरे पास तो यही है कहने के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात डॉक्टर विक्रम अग्रवाल के लिए, उन्होंने सब कुछ किया। अब मैं आई थी जब तो मतलब मुझे होश नहीं था, पहले मैं और हॉस्पिटल में गई, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। यहाँ पे आई जब डॉक्टर विक्रम अग्रवाल को बार बार थैंक यू बोल रही थी क्योंकि उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। मतलब मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये घर से 9:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी और रास्ते में घर से आधा किलोमीटर दूरी पर दो लड़के खड़े हुए थे, पहले से घात लगाए हुए, और उसने बराबर में आते ही इस पर गोली चला दी। ये घायल हो गए। घर पर किसी ने, इस पड़ोस में रहने वाले आदमी ने मेरे लिए फ़ोन किया, इसने ही नंबर बताया। और तब हम वहाँ पहुँचे, जब तक बहुत देर हुई थी तो वो लोग हॉस्पिटल ले आए, वहाँ से फिर हम नयति हॉस्पिटल उन्होंने निकाल दिया, फिर नयति के लिए ले आए। नयति में फिर इसका इलाज चला और बहुत ही संतुष्ट हैं हम नयति हॉस्पिटल के स्टाफ से, हॉस्पिटल से, क्या कहें, मतलब भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ नयति हॉस्पिटल मथुरा के लिए दिया है। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टाफ। अरे नीरा मैम तो वो तो भगवान है, उनके लिए मैं तो यही कहूँगा नीरा मैम के लिए कि उनकी बच्चों की और उनकी हजारों वर्ष की अवस्था हो जाए बस। और वो तो भगवान है, भगवान का दूसरा रूप है। मैं डॉक्टर विक्रम अग्रवाल, पीडियाट्रिक सर्जन, नयति हॉस्पिटल। ये 26 दिसंबर के का दिन था, करीब 11:30 बजे, जब ये पेशेंट अंजू हमारे पास में इमरजेंसी में आई थी, क्रिटिकल कंडीशन में थी काफ़ी। ये बाहर ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स में दिखा चुके थे जहाँ इनको रिफ्यूज़ कर दिया था और ये हमारे यहाँ रेफ़र हो गए थे। यहाँ पर हम जब ये आई थी काफ़ी क्रिटिकल थे, ब्लड प्रेशर इनका मेंटेन नहीं था, पेट के ऊपर गोली लगी थी जिससे उनकी आंतें और मोमेंटम बाहर निकला हुआ था और गोली पूरा डैमेज करके यहाँ से और अंदर आंतों में 2-3 जगह उसको आंतों को फाड़ के पीछे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर करके पीछे नीचे से निकल गई थी। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। जैसे ही हम लोगों ने इमरजेंसी में अंजू को स्टेबलाइज़ किया और उसके बाद में जो भी हमें सीटी स्कैन जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस थे वो करके और फिर उसको हमने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में इसको शिफ्ट किया। ऑपरेशन में जब हमने पेशेंट ऑपरेशन शुरू किया, जब खोला तो उसमें जो उसमें इंजरी थी, जो चोटें थी, वो जितना हमें सीटी स्कैन पर लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा ख़राब चोटें थी। ऑपरेशन करीब 3-4 घंटे ऑपरेशन चला और उसके बाद में एक सफल ऑपरेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो इसका हुआ और उसके बाद में हमने इसको PICU में शिफ्ट कर दिया था। ये करीब 5-6 दिन काफ़ी क्रिटिकल हालत में रही, उसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ इसको। और अभी ऑलमोस्ट 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी अंजू स्वस्थ है, घर जा रही है, आज अच्छे से चल फिर रही है, खा पी रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये हमारे यहाँ मैं एक बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं था, ये नयति हॉस्पिटल में एक जो हमारा एक टीम वर्क है जिसमें पीडियाट्रिशियन, हमारा पीडियाट्रिक सर्जन, GI सर्जरी की टीम, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब का इसमें एक बहुत अहम रोल रहा है अंजू के ट्रीटमेंट में। हमारा एक डेडिकेटेड जो नर्सिंग स्टाफ है जो 24 घंटे केयर करता है, इसका बहुत अच्छा रोल रहा है। और क्योंकि हमारे पास ये सारी स्पेशलिटीज़ एक छत के नीचे हैं तो हम अंजू का एक अच्छा इलाज करने में सफल रहे हैं।